हे एवरीवन वेलकम टू आर चैनल नौकरी फाइंडर्स मैं हूं आराध्य साक्षी के साथ तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं अमेजोन में और यहां पे आपकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल जॉब्स बहुत अवेलेबल है अगर आपका किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप यहाँ पर बिंदास अप्लाई कर सकते हैं कोई इश्यू नहीं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये वैकेंसीज लिमिटेड है तो फटाफट अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए ऐसी वैकेंसीज आती नहीं है तो कस्टमर्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की भी जॉब अवेलेबल है आईटी सर्विसेज सपोर्ट एसोसिएट की जॉब अवेलेबल बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है तो आज हम बात कर रहे हैं आई टी सपोर्ट की जॉब यहाँ पर कोई भी अप्लाई कर सकता है जो भी ग्रेजुएट है और सबसे इंपॉर्टेंट वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी रहेगी तो आप इस देश में कहीं से भी हो आप बिंदास अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर कोई इशू नहीं है तो डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं कि अमेजोन आई टी सर्विस सेंट्रल सपोर्ट जो है इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर टेक्निकल सपोर्ट सर्विस रिक्वेस्ट आर आई टी सपोर्ट स्पेंड्स डे डे फील्डिंग इनकमिंग सपोर्ट चैट्स कॉल्स एंड ऑनलाइन रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अमेजॉन कॉरपोरेट एंड इट्स सब्सिडरी एम्प्लॉयज़ वर्ल्ड वाइड तो इनका ये कहना है बेसिकली कि आपकी जॉब यहाँ पे जो भी चैट्स हुआ या फिर कॉल्स के रिगार्डिंग या फिर ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती है जैसे कंप्लेंट्स आती है कुछ भी आता है और एनी टेक्निकल प्रॉब्लम भी रहती है तो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करते आना चाहिए द सक्सेसफुल आई टी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव विल बी द कस्टमर ऑफ फोकस एंड मोटिवेटेड बाय द टीम सक्सेस ओके सो यू विल बी इनोवेटिव एनर्जेटिक रहना चाहिए आप एंड एबल टू एडोप्ट न्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स क्विकली वाइल डीलिंग विद अ हाई वॉल्यूम ऑफ रिक्वेस्ट यू विल ऑल्सो भी कमिटेड फ्लेक्जिबल रहने चाहिए कमिटेड रहने चाहिए आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए रिटर्न एंड वर्बल दोनों और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑपरेशन जो सपोर्ट टीम का रहता है वो ट्वेंटी फोर बाय सेवन रहता है ठीक है बींग एबल टू वर्क एंड असाइन शेड्यूल दैट फॉल्स विद इन आर ऑपरेटिंग आवर्स इज रिक्क्वायर्ड एंड एक्सपेक्टेड ठीक है तो आपको एक पर्टिकुलर वर्किंग आवर्स दिया जाएगा तो उसमें आप फुल एनर्जेटिक रहने ही चाहिए अवेलेबल शिफ्ट में इंक्लूड आफ्टरनून एंड इवनिंग तो आपको आफ्टरनून शिफ्ट है इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट ऑल्सो तो ये तीन जो शिफ्ट रहेंगे उसके बीच में आपको कौन से भी शिफ्ट मिल सकती है यहाँ पे ठीक है टिपिकली दे इंक्लूड वन और बोथ द वीकेंड डेज एंड शेड्यूल्स आर सब्जेक्ट टू चेंज ओके तो यहाँ पे रिव्यू रिटर्न कम्युनिकेशन टू इंश्योर एथरेन्स टू पॉलिसी एंड एंश्योर मैसेज आर रिसीव इन टाइमली मैनर ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या रहेगी यहाँ पे है ना तो रिसर्च रिव्यू एंड रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरीज रिसिव बाय वेबचैट टेलीफोनिक कॉल्स ई मेल टिकटिंग सिस्टम ऑल इन अ टाइमली मैनर इन अकॉर्डेंस विद द टीम स्टैंडर्ड्स तो जैसे कि आपको पता है कि अमेजोन में जो सबसे ज़्यादा है वो क्वालिटी को माना जाता है कि इनकी जो सर्विस है वो अप टू डेट रहती है और यहाँ पर जो है आपको कोई आ, मतलब कुछ भी आप उनके मन मुताबिक आपको सब कुछ करना पड़ेगा उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते आप ठीक है तो ये क्वालिटी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं इन्फॉर्म कस्टमर्स ऑफ नीडेड रेमेडीज एंड आंसर बेसिक क्वेश्चंस तो उनके जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं वो आपको आंसर करना पड़ेगा फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट उसके बाद आपको एक्वायर करना पड़ेगा मेंटेन करना पड़ेगा करंट नॉलेज ऑफ रिलेवेंट कंपनी पॉलिसीज इन ऑर्डर टू फैसिलेट कम्युनिकेशन ठीक है फिर विलिंगनेस टू वर्क फ्लेक्जीबल शिफ्ट एंड शेड्यूलिंग इंक्लूडिंग नाइट वीकेंड्स एंड हॉलीडेज तो आप इसके लिए तैयार रहने चाहिए फ्लेक्सिबल रहने चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल नाइट शिफ्ट रहती है या फिर वीकेंड या हॉलीडेज़ में भी काम रहता तो आपको करते आना चाहिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है मतलब ट्वेंटी के ऊपर सैलरी रहेगी आपको और आपको बस क्या करना है कॉल्स रहते हैं कुछ मैसेज रहते हैं चैट्स रहते हैं ई के थ्रू आपको जस्ट कन्वर्जेशन करनी है है ना उसके लिए बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी रहनी चाहिए थोड़े बहुत टेक्निकल नॉलेज आपको रहना चाहिए टेक फैबी होने चाहिए आप और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको आ, आप तो ग्रेजुएट होने चाहिए द सक्सेसफुल आई टी सपोर्ट एसोसिएट विल बी द कस्टम ऑफ फोकस एंड मोटिवेटेड बाई टीम सक्सेस यू विल भी इनोवेटिव वो अपन ने देख लिया है अभी अब देख लेते हैं कि बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है तो मैं आपको बता दूं कि आपको जो यहाँ पे है आपको ट्रेनिंग दी जाएंगी पहले कुछ चार से छः महीने की ट्रेनिंग रहती है अमेज़ॉन की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहती है कोई आपकी तरफ से चार्ज नहीं किया जाता है ठीक है और आप सबसे इम्पोर्टेंट आपको रिजोल्यूशन देते आना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम्स का या फिर आपको बताते आना चाहिए कि अमेजन कैसे हेल्प करेगा कस्टमर्स की है ना वो सब नॉलेज आपको बता रहना चाहिए फिर बेसिक क्वालिफ़िकेशन में बात कर लेते यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रांग रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स रहनी चाहिए इंग्लिश में तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी रहनी चाहिए तो छः महीने का यहाँ पे आईटी और कस्टमर सर्विस रोल ट्रबल शूटिंग विद द एबिलिटी टू डिस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्लेन द सिचुएशन और इशू ओके तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए आईटी का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहना चाहिए इस चीज़ में कि कस्टमर सर्विस कैसे करते क्या करते हैं ना तो अगर आप फ्रेशर्स हो फिर भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर कोई इशू नहीं है तो द एबिलिटी टू क्विकली एडोप्ट to different operating system while including PC hardware and software issues and software incompatibilities ability to apply critical thinking to determine next step needed to resolve the context okay तो ये सब दिया हुआ है यहाँ पे कि display a commitment to display and strong multitasking skills adherence to shift schedules and timeliness आ आर की रिक्वायरमेंट्स तो ये सब बातें हो गई यहाँ की अब बात कर लेते उनकी प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पे क्लियर दिया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो भी मैन है वुमेन है माइनॉरिटी है जो भी डिसेबिलिटी वाले भी है जेंडर एज नहीं देखा जाता है यहाँ पर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है अमेजोन में स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट स्किल्स रहने चाहिए विथ डीलिंग वेरिंग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन द एबिलिटी टू डिसिप्लिय टेक्निकल टर्मिनोलॉजी एंड एक्सप्लेन द लेमेंस टर्म्स टू द योर कस्टमर्स एबिलिटी टू इफेक्टिवली क्रिएट ट्रबल टिकेट्स दैट आर क्लियर एंड कंसर्स द इशू एंड रिजोल्यूशन तो बेसिकली आपको पता होगा कि फॉर uh, एग्ज़ाम्पल किसी को इशू आता है मतलब अमेजोन में कुछ इशू रहता है कोई प्रोडक्ट परचेस करता है लेकिन प्रोडक्ट डिफ़ल्ट रहता है या फिर कुछ ऐसा रहता है तो उसकी टिकट जनरेट होती है पहले तो टिकट जनरेट होती है तो उसका रिजोल्यूशन देना तो आपकी जिम्मेदारी रहती है मतलब अमेजोन की जिम्मेदारी रहती है तो आपको टिकट जनरेट करता आना चाहिए उनकी पहले प्रॉब्लम्स सुनना चाहिए अपने अच्छे से ठीक है कामलीनेस से कोल्ड कॉलिंग रहती है ऑब्वियसली आप हार्श नहीं हो सकते आपका बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए एटीट्यूड रहना अच्छा चाहिए टूवर्ड्स द कस्टमर्स और उसी के बेसिस पे रेटिंग मिलती है आपको कस्टमर की तरफ से तो आपको हर एक चीज़ में आप परफेक्ट रहना चाहिए शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि बस अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहती है ना तो आप ये जॉब में अच्छा कर सकोगे बाकी कोई यहाँ पे किसी भी चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है बस आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश अच्छी रही तो आप कौन सी भी जॉब किसी भी तरीके से क्रैक कर सकते हो अच्छी तरह से ठीक है तो आपको तो बेसिकली पता ही होगा कि अमेजोन में कैसे कैसे मतलब एग्ज़ाम्स होती है टेक्निकल राउंड्स होते हैं एचआर राउंड्स होते हैं पहले एप्टीट्यूड टेस्ट होंगी आपकी इसमें ठीक है नॉर्मल क्वेश्चन पूछे आते हैं टेलीफोनिक राउंड होता है नॉर्मल आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है वो सब होने के बाद आप टेक्निकल एक हद राउंड रहता है वहाँ पर ज़्यादा कुछ रहता है, नहीं उसमें पूछा नहीं जाता ज़्यादा टेक्निकल में क्योंकि ये तो कस्टमर सर्विस की जॉब है वैसे तो, तो दैट्स इट बहुत सिंपल प्रोसेस रहता है बस आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहनी चाहिए मैं आपको बता दूँ कि जॉब लोकेशन यहाँ पर हैदराबाद है तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब लोकेशन हैदराबाद है और ग्लोबल आईटी सर्विसेज ऑपरेशन आई टी एंड सपोर्टिंग इंजीनियरों के तो यहाँ पे बेसिकली तो वैसा कोई ग्रेजुएशन का बताया नहीं है कि आपको कौन सी फील्ड चाहिए तो आप जो भी ग्रेजुएट हो कौन से भी ग्रेजुएट हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ठीक है और फिलहाल तो वर्क फ्रॉम होम है लेकिन जब पैंडमिक सिचुएशन खत्म होंगी तो आपको वहाँ पे ऑब्वियसली ऑन फील्ड जॉब के लिए जाना पड़ेगा हैदराबाद तो उसके लिए आप तैयार रहने चाहिए दैट्स इट सो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ फ़ैमिली मेम्बर्स के साथ कलीग्स के साथ एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए और फॉर फर्दर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एज़ वेल इंस्टाग्राम हैंडल नेम इज़ नौकरी फाइंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे